नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टैग DIY पे। और आज का सेशन हम करने वाले हैं OpenAPI स्प्रिंग बूट इंटीग्रेशन विद OpenAPI से। OpenAPI जो है वो स्वैगर का ही एक नया नाम है हम कह सकते हैं। और स्वैगर, अगर आप लोगों को नहीं पता, तो स्वैगर जो होता है वो API डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम आता है। हमको UI बना के स्वैगर देता है, स्वैगर की लाइब्रेरी देती है अपने API को डॉक्यूमेंट करने के लिए। आज का सेशन महत्वपूर्ण भी होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको एक जादुई तकनीक बताएंगे जिसका यूज़ करके हम काफ़ी आसानी से अपना पूरा API जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, अगर आपने माइक्रो सर्विसेज पे काम किया होगा पहले से, तो माइक्रो सर्विसेज में हम पहले API डिफ़ाइन करते थे। API डिफ़ाइन करने के बाद उसके एंड पॉइंट्स वगैरह डिसाइड करते थे, और फिर उसको स्वैगर लिख के, उसको स्वैगर के एनोटेशंस वगैरह, डॉकलेट वगैरह करके, और फिर हमको उसका UI मिल जाता था। अभी अप्रोच थोड़ा सा चेंज हुआ है माइक्रो सर्विसेज वर्ल्ड में। चेंज ये हुआ है कि क्योंकि कई सारी डिफरेंट टीम्स इसमें इन्वॉल्व रहती है, तो पूरा डेवलपमेंट हो API का, उसके बाद दूसरी टीम उसको हैंडओवर करती है, और इस तरह से होता था पहले। अब क्या होता है, OpenAPI और स्वैगर एडिटर में या OpenAPI में हम लोग स्पेसिफिकेशन हमको लिखना पड़ता है, और वह हमको पहले सारी टीम्स के साथ शेयर करना पड़ता है। तो OpenAPI हमको एक माध्यम देता है जिस माध्यम में हम अपना पूरा API स्पेसिफिकेशन लिख सकें और उसको किसी भी टीम के साथ शेयर कर सकें जो हमको इनपुट या आउटपुट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब क्या होता है, अब OpenAPI में ही कुछ ऐसे प्लगइन्स जोड़ दिए गए हैं, मेवन प्लगइन्स जोड़े गए हैं, जिनके थ्रू हम अपना पूरा API कोड भी जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि पूरा स्पेसिफिकेशन लिख के और फिर हम अपना कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं, और फिर फर्दर जो टीम एक्चुअल में उस API को डेवलप करने वाली है वो सीधा बिजनेस लॉजिक पे फोकस करके और बिजनेस लॉजिक पे आगे काम कर सकती है। तो आज हम यही पूरी चीज़ देखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और हमें फॉलो कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे लिंक को। और आज का जो pom.xml और हमारी जो YAML स्पेसिफिकेशन YAML फाइल है, वो हम आपको उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देंगे, तो वहाँ से आप वहाँ जाके उसका यूज़ कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज का जो सेशन होने वाला है, इसका पूरा की मोमेंट्स रहेंगे, और वो की मोमेंट्स हम आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देने वाले हैं, तो आप जब चाहें जिस सेक्शन में जाके देखना चाहें वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये स्वैगर एडिटर का लिंक है, editor.swagger.in, और इसके अंदर swagger.io इसके अंदर पूरा स्पेसिफिकेशन हमको कैसे लिखना होगा API का वो दिया हुआ है। स्पेसिफिकेशन एक फाइल है जिसमें हम अपने सारे पाथ, अपने एंड पॉइंट वगैरह सब ये सब लिखते हैं, और कौन कौन से ऑब्जेक्ट हम लोग रिसोर्सेज हम लोग यूज़ करने वाले हैं। एक्चुअल में API वर्ड में रिसोर्स का मतलब होता है, जैसे एक यूज़र हो गया या ब्लॉग हो गया, तो जो हमारी मेन एंटिटी है वो हमारे एक रिसोर्स है। ठीक है, तो वो रिसोर्स भी हम रिसोर्स को हम कॉम्पोनेंट स्कीमा सेक्शन में लिखते हैं। और यहाँ पे जैसे इसने यूज़र डिफाइन किया है, ऑर्डर डिफाइन किया है, ये ऑर्डर का स्कीमा है। तो इस तरह से पूरा स्कीमा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, और रेफरेंसेस भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो मतलब ये पूरा स्वैगर एडिटर अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है। ये पूरा YAML में लिखा जाता है, और ये सबसे पहले लिखा जाता है API बनने से पहले। इसमें एक्चुअली अपना पूरा API का जो डेफिनेशन है वो इसमें पूरा आ जाता है। ठीक है, और आजकल ये एक चलन बन चुका है कि जब भी कोई API हम लिखने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग को ये स्वैगर का
ये जो स्पेसिफिकेशन YAML है ये हमको लिखना चाहिए, और ये लिख के हम जिस टीम से हम हमारा API कम्युनिकेट करेगा उन टीम्स को हम लोग ये शेयर कर देते हैं, ताकि वो लोग इसके बेसिस पे पैरेलली उनके काम को वो चालू कर सकें। ठीक है, तो वही सब यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और आज के सेशन के लिए हमने reflecting.io एक साइट है, वहाँ पे एक आर्टिकल हमने रिसेंटली देखा था, वो आर्टिकल हमने आज के लिए फॉलो किया है और वो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। आप भी चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। और आज के प्रोजेक्ट का नाम है स्प्रिंग ओपन API एग्जांपल। तो हम अपने starters.spring.io में आ चुके हैं और यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट बनाया है, और अब प्रोजेक्ट के बनाने के बाद हम उसको डाउनलोड करके उसको अपने इम्पोर्ट करेंगे IntelliJ IDEA में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं उस प्रोजेक्ट को मूव कर रहा हूँ प्लेग्राउंड डायरेक्टरीज में, और वहाँ से फिर मैं उसको IntelliJ IDEA में न्यू प्रोजेक्ट बना लूँगा, उससे मतलब इम्पोर्ट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैसे मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ उसको। तो ये तकनीक है। अगर आप मुझे शुरू से फॉलो करते आए हैं तो आपने देखा होगा कि ये सब कैसे होता है, तो वही है। और ये इस मैं इस साइट की बात कर रहा था, ये है reflecting.io, और इसी के अंदर ये आर्टिकल छपा था जो पूरा कोड जनरेशन के बारे में बताता है कि हमको क्या क्या करना है जिससे हम बहुत ही आसानी से अपना कोड जनरेट कर सकें। यहाँ पे मैं अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करूँगा जो प्रॉब्लम्स मुझे फर्स्ट टाइम करने में आई थी, लेकिन यकीन मानिए अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करेंगे, अगर आप यहाँ पे हमारा वीडियो फॉलो करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। क्योंकि specification.io जब हम लिखने जाते हैं तो हमको इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कितनी स्पेसेस हमने वहाँ पे दी है, लेकिन वो सब सिर्फ एक बार का ही प्रॉब्लम है। अगर एक बार अपन ने प्रॉपरली स्पेसिफिकेशन लिख लिया तो ये सारा काम बहुत ही आसानी से हो जाता है कोड जनरेशन का। अभी हमने अपना जो स्प्रिंग बूट बनाया था एग्जांपल, उसको हमने खोला है, उसको YAML खोला है अब, और हम रिसोर्सेज के अंदर अपना YAML स्पेसिफिकेशन YAML लिख रहे हैं, और उसका नाम हमने प्रोजेक्ट के नाम पे ही दिया है स्प्रिंग ओपन API example.yaml, और इसी में हम अपना पूरा स्पेसिफिकेशन लिखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको ओपन API का स्पेसिफिकेशन वर्जन देना पड़ता है, और इन्फो सेक्शन में हमको अपना पूरा वो देना पड़ता है, इन्फो मतलब अपने API का इन्फो हमको पूरा लिखना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आप राइट सेक्शन लेफ्ट में हमको प्लगइन दिखाया है, और वो प्लगइन अपने फॉर्म में हमको कैसे जोड़ना है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो वही मैं राइट में कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ओपन API जनरेटर मेवन प्लगइन है, और ये अपने को org.openapi टूल्स के साथ मिल जाएगा। इसमें मैंने OpenAPI टूल्स डिपेंडेंसी में भी ऐड किया, और ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम ऑलवेज़ अपना जो फॉर्म लिखते हैं तो उसके वर्जन्स जो हैं वो हम प्रॉपर्टीज़ में डिफ़ाइन करें, मतलब सारे वर्जन्स एक जगह रहेंगे और वो प्रॉपर्टीज़ टैग के अंदर रहेंगे, और जहाँ कहीं भी हमको रेफ़र करना है तो वो इस तरह से डॉलर और फ्लावर ब्रैकेट के अंदर हम लोग दे सकते हैं, तो वही यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो अभी जैसा कि आप लेफ़्ट साइड में देख पा रहे हैं वैसा वैसा हम राइट में भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि एग्जीक्यूशन गोल क्या रहेगा कि जनरेट करना। ये प्लगइन जो है ये क्या करेगा, ये स्पेसिफिकेशन फाइल को उठाएगा, तो जो इनपुट स्पैक है इस टैग के अंदर हम अपनी स्पेसिफिकेशन फाइल की लोकेशन बता रहे हैं इसको। जैसे कि हमारी स्पेसिफिकेशन फाइल कहाँ है, ये है SRC के अंदर मेन SRC के अंदर रिसोर्सेज के अंदर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो वही स्पेसिफिकेशन फाइल का नाम हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, और इसी के साथ जनरेटर हमको जनरेटर नेम में हम बता रहे हैं कि हमको किस में जनरेट करना है। तो ऑब्वियसली हमारा जो API है वो Spring API है, तो हमने Spring दे दिया है जनरेटर नेम के अंदर। ठीक है, और इसके साथ हमको पैकेज बताना पड़ता है कि जो हमारी कोड जनरेट होगी वो किस पैकेज में होगी, तो वो हमने दे दिया है org.spring framework org.spring open API example, और मॉडल जो है वो डॉट मॉडल में होगा। और इसी के साथ
और भी जो इन्फॉर्मेशन है हम चाहें तो दे सकते हैं, वो हम यहाँ पे दे रहे हैं। और कॉन्फ़िग ऑप्शंस में हम बताएंगे उसको कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए। तो डेलीगेट पैटर्न, हमने वो डेलीगेट पैटर्न ट्रू किया है तो इसीलिए हमारा जो कोड है सारा वो डेलीगेट पैटर्न में बनेगा। डेलीगेट पैटर्न का मतलब ये होता है कि सारा काम एक ही आदमी करने की बजाय वो अपना कुछ काम दूसरे को, डेलीगेट का मतलब होता है अपना काम दूसरे को बताना और वो आपकी जगह वो काम करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी हम यही करने वाले हैं, सब कुछ कंट्रोलर में ना करके या सब कुछ अपने कंट्रोलर में ना करके हम पहले डेलीगेट एपीआई के थ्रू वो काम सर्विसेज में पास ओवर कर देंगे। तो हमारा जो काम है वो एक्चुअली डेलीगेट पैटर्न के थ्रू सर्विसेज में होगा। मेन जो भी हमको बिजनेस लॉजिक वगैरह लिखने हैं वो सर्विसेज में हम लिखेंगे, तो वही यहाँ पे करना है। और इसी के साथ डिपेंडेंसीज में हमको जो डिपेंडेंसीज एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि शुरू में हमने केवल वेब और लॉम्बॉक लिया था, अभी हम दूसरी डिपेंडेंसीज भी जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए चाहिए वो यहाँ ऐड करने वाले हैं, तो वही हम कर रहे हैं। ओपन टूल्स हमने ऐड किया है और जैक्सन डेटा बाइंड, ये भी ओपन एपीआई टूल्स का ही एक डिपेंडेंसी है, तो वो हमने यहाँ ऐड की है। तो सबकी तरह से यहाँ पे भी हम वर्जन वहीं ऊपर डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टीज़ में। तो इस तरह से, वैसे ये पॉम फाइल मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन से इसको ले सकते हैं। चलिए अब स्पेसिफिकेशन लिखने बैठते हैं। तो स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले हमको ओपन एपीआई हम कौन सा यूज़ करें तो उसका वर्जन देना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग 3.0.1 यूज़ कर रहे हैं और इन्फो में अब हम बता रहे हैं कि हमारा जो एपीआई है उसका क्या नाम है, क्या डिस्क्रिप्शन है, जो भी डिटेल्स हम देना चाहें वो यहाँ इन्फो सेक्शन में हम दे सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट में हमने हमारा जीमेल का जो हमारा जो ईमेल आईडी है वो दिया है और सर्वर डिटेल्स आप अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। वैसे सर्वर डिटेल्स देना, यहाँ पे डमी प्रोजेक्ट है तो हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ये सारा बेसिकली इन्फॉर्मेशन है जो हमारे जो एपीआई के जो यूज़र्स हैं उनके लिए होता है। तो अभी हम उस पार्ट को स्किप करेंगे। इसके बाद हम इन्फो लिखा है, इसमें हमने अभी के लिए फ़िलहाल टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही लिखा है। टैग्स होते हैं, ये टैग्स हमारे मेटा डेटा होता है जो बताता है कि हमारा ओपन एपीआई की क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा या क्या यूज़ केस सॉल्व करेगा। हमारे आज के इस सेशन के लिए हमने ब्लॉग को ही कंसिडर किया है हर बार की तरह, तो एक ब्लॉग का सेशन है और जो नेम है वो ब्लॉग दिया है हमने एपीआई का, और ऑपरेशन अबाउट ब्लॉग ये इसके डिस्क्रिप्शन रहेंगे। और अब हम पाथ्स डिफाइन करने जा रहे हैं, पाथ मतलब एंड पॉइंट डिफाइन करने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो जितने HTTP मेथड्स होते हैं, जैसे अभी हम गेट के लिए देने जा रहे हैं, इसी के साथ अगर सेम URL पे /blog/blog name या ब्लॉग टाइटल, इस सेम URL पे अगर हमको पुट पोस्ट देना होता तो हम इसी के अंदर जैसे गेट पाथ दिया है उसी के पैरेलल में पुट पोस्ट जो भी पाथ हमको देना होता वो हम दे सकते हैं नीचे। ठीक है, ये आप स्वैगर एडिटर जो इनिशियली मैंने शो किया था उसमें आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और ये पूरा उसका है, आप देख सकते हैं जैसे हमने पाथ्स के अंदर डिफाइन किया गेट रिक्वेस्ट एंड URL, फिर उसके बाद टैग्स डिफाइन किए हैं, टैग में हमने ब्लॉग दिया है, समरी दी है उसकी, ऑपरेशन आईडी, ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा अगर ये पर्टिकुलर URL होता है, तो वो हमने दिया ऑपरेशन आईडी में। वहाँ पे हमने दिया है गेट ब्लॉग बाय टाइटल नाम से एक मेथड होना चाहिए जो हमारे ऑपरेशन हमारे URL से बाइंड होगा। ठीक है, वो हमने दे दिया है। और पैरामीटर कहाँ पे आएगा, पैरामीटर होगा ब्लॉग टाइटल जो कि पाथ में होगा। आई थिंक ये पाथ में होगा, मतलब हमारा पाथ वेरिएबल है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि पाथ वेरिएबल है या पैरामीटर है, मतलब अपना जो रिक्वेस्ट पैरामीटर है वो सब हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और इसकी सारी डिटेल्स अगर आप चाहें तो आप स्वैगर एडिटर में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे उसने एक एक चीज़ डिफाइन की है कि कैसे होता है। और अल्टीमेटली जैसा मैं पहले आपको बता रहा था, सारे रेस्पॉन्सेज भी हमने दिए हैं यहाँ पे 200 और 400 के। और इसके अलावा हमने, जैसा कि आप लाइन नंबर 200 के लिए देख पा रहे हैं,
वहाँ पे हमने रेफ करके कंपोनेंट को भी रेफर किया है। अभी पूरा कंपोनेंट यानी कंपोनेंट में एस्कीमा और एस्कीमा के अंदर हमने ब्लॉग लिखा था, तो ब्लॉग मॉडल क्लास है वो पूरी, कैसे कैसे उसमें क्या फील्ड आने वाले वो सब भी वहाँ पे डिफाइंड थी। अभी हम अपने कोड को फर्स्ट टाइम अपने कोड को बिल्ड करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हर बार की तरह बिल्ड में कुछ इश्यू आया है। ये लाइन मैं इस लाइन के लिए बोल रहा था आपको, लाइन नंबर 33 स्पेसिफिकेशन में ये इस तरह से रेफ किया, डॉलर रेफ करके हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रेफर करवा सकते हैं स्पेसिफिकेशन फाइल में, जहाँ पे भी हम रेफ़र करना चाहते हैं। तो वही हमने यहाँ पे किया है। अभी हमको एरर आ रही है बिल्ड करने में, देखते हैं क्या एरर है। देखिए यही यही मैं कह रहा था कि जब हम स्पेसिफिकेशन लिखते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी है इंडेंटेशन, स्पेसिफिकली इंडेंटेशन को लेके, क्योंकि यैमल हमारी एक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करता है, बट क्योंकि ये पाइथन की तरह इंडेंटेड होता है पूरा पेज, तो अगर एक भी स्पेस आगे पीछे होता है तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स शो होने लगती हैं। तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लाइन नंबर, एरर हमारी लाइन नंबर 9 में आ रही है, तो हमने उस एरर को रिजॉल्व किया है और फिर से बिल्ड करके देख रहे हैं कि वो एरर अभी भी है या नहीं है। ऑब्जेक्ट और टोकन नल, ओके, डिस्क्रिप्शन ऑपरेशन अबाउट ब्लॉग्स, ओके। तो देखिए जैसे कि आपने अभी देखा, अभी हम कॉलम एडिटिंग का यूज़ करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी तकनीक है जिसमें हम एक साथ कई सारी लाइंस को अगर एडिट करना है तो वो कैसे करना है वो हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट इंसर्ट होता है विंडोज़ में, और यहाँ पे मैक में अपना शिफ्ट कमांड एंड 8 होता है। इसके साथ ही हमारा एडिटर कॉलम मोड एडिटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जैसा, और ये हमने एक साथ मल्टीपल कई सारे कॉलम सेलेक्ट कर लिए हैं और एक ही स्पेस पर हिट पे हमारे सारे कॉलम्स जो है, सारी लाइंस जो है एक साथ इंडेंट हो गई है प्रॉपरली। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं और आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है अगर आप मल्टी लाइन कॉलम आपको करने हैं एक साथ, जैसे 50 लाइनें भी अगर एडिट करनी है इस तरह से तो आप वो कर सकते हैं। तो ये एक टिप है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। और अभी भी हमको कुछ इश्यूज आ रहे हैं स्पेसिफिकेशन में, लाइन नंबर 8 कॉलम 8 कॉलम 1, ओके, लाइन नंबर 10 कॉलम 4। चलिए देखते हैं क्या इशू है। तो यहाँ पे हमने इनको रिजॉल्व किया है। मेनली वही है कि जो स्पेसिफिकेशन फाइल हमने अपने हाथों से लिखी थी उसमें, क्योंकि हमने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करा है तो कई बार हार्डवर्क जो है वो हमको हमारे लिए डबल काम लेके आ जाता है, तो वही हो रहा है। अगर हम कॉपी पेस्ट करते तो शायद ये इजीली हो जाता, बट फिर वो जो चैलेंजेस हैं, वो जो इश्यूज हैं जो आ सकते हैं वो मैं आपको यहाँ बताना चाहता था। और ये आपको नहीं पता चलता कि इस तरह के इश्यूज भी आते हैं, ठीक है। तो वही दिखाने के लिए मैंने ये किया है। तो आप देख सकते हैं तो हमारा जो ब्लॉग ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, ब्लॉग टैग, और उसके अंदर समरी दी है हमने, ऑपरेशन आईडी, ये सब टैग्स के साथ सेम लेवल पे आएगा। तो वही समरी जो है टैग के लेवल पे आएगी और समरी के अंदर ऑपरेशन आईडी वगैरह सब कुछ जाएगा, ठीक है। तो वो हम कर रहे हैं यहाँ पे। या आप इस रेफर्ड की हुई साइट को भी देख सकते हैं, यहाँ पे इसने जो स्पेसिफिकेशन दिया है उससे आप मैच करवा सकते हैं कि आपका जो स्पेसिफिकेशन फाइल है वो वहाँ पे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो आप कॉलम एडिटिंग मोड में जाके उसको प्रॉपरली सारी एडिट सारे कॉलम्स को एक साथ अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो कॉलम एडिटिंग मोड है ये टॉगल रहता है, तो जैसा आपने आप जिस कमांड से आप जिस शॉर्टकट से आप कॉलम एडिटिंग मोड में जाते हैं उसी को अगर आप फिर से करेंगे तो अपन नॉर्मल हॉरिजॉन्टल एडिटिंग में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं।
और इसी के साथ हमारी एरर्स अभी भी आ रही है। ओके, एरर इसलिए आ रही है क्योंकि स्पेसिफिकेशन में लिखते टाइम हमने पैरामीटर का नाम ब्लॉग टाइटल दिया है, जबकि यूआरएल के अंदर हमने पैरामीटर का नाम ब्लॉग नेम दिया था। तो एक एरर ये भी आ रही है, तो ये भी रिजॉल्व करते हैं। अभी हमने उसको करेक्ट किया है, फिर से इसको एक बार रिस्टार्ट करके देखते हैं क्या दिखाता है। ओके, अभी हमने ये किया है, एरर काउंट 2 दूसरी एरर पर वर्जन की है। तो बेसिकली जब भी हम स्पेसिफिकेशन फाइल लिखते हैं तो वर्जन ये एक्सपेक्ट करता ही है। वर्जन मतलब हमारे एपीआई का वर्जन, यहाँ पे 1.0.0 जो है ये हमारा एपीआई का वर्जन है, ठीक है। तो वो भी हमने डिफाइन कर दिया है। तो आइडियली अभी ये कोड चल जाना चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये भी नमस्ते कर रहा है। नमस्ते के साथ ही हमारा कोड जनरेट हो चुका है, बट उसके बाद ये आगे फटाए फिर से आगे जाके, अब देखेंगे कहाँ फटाए, ठीक है। तो हमको कुछ और डिपेंडेंसीज भी ऐड करनी थी। मैं चाहता तो सारी डिपेंडेंसीज एक साथ ऐड करके दिखा सकता था, लेकिन मैंने कोशिश की इस बार की डिपेंडेंसीज को एक एक करके ऐड किया जाए, ताकि हमें पता चले कि किस डिपेंडेंसी की वजह से क्या फट रहा है। तो इस तरह से हमको करना चाहिए, तो इससे हमको ये पता रहता है कि हाँ कौन सी डिपेंडेंसीज किस काम के लिए है, ठीक है। तो स्वैगर एनोटेशन पहले मिसिंग था, तो अभी हमने वही डिपेंडेंसी यहाँ ऐड की है। स्वैगर एनोटेशन, स्वैगर यूआई, ये सब यहाँ ऐड किया है। और पहले भी जैसा मैं बता चुका हूँ कि ये जो वर्जन है इसकी इन्फॉर्मेशन हमको प्रॉपर्टी सेक्शन से मिल जाएगी, और यहाँ पे हम उसको रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और स्वैगर एनोटेशन, स्वैगर स्प्रिंग फॉक्स स्वैगर 2 और स्प्रिंग फॉक्स स्वैगर यूआई, ये सब हम डिपेंडेंसीज ऐड करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। और आप देख सकते हैं लाइन नंबर 37 में ओपन टूल्स जो हमने पहले ऐड की थी उसी के साथ ये सब हमने ऐड किया है। तो और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में हम एक एक करके सबके वर्जन से जो हम रेफ़र करने वाले हैं वो यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन। वैसे आप इस बार हम आपको पॉम डॉट एक्स एम एल और स्पेसिफिकेशन डॉट यामल प्रोवाइड करेंगे उसका लिंक, तो आप वहाँ लिंक से जाके कॉपी भी कर सकते हैं। और बेस्ट ये है कि आप इसको स्वैगर एडिटर से फॉलो करें और वहाँ से आप स्पेसिफिकेशन लिखें। बहुत इजी है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। हमको नोड्स लिखने रहते हैं और वो नोड लिख के हम अपना पूरा स्पेसिफिकेशन लिख सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने फिर से रीस्टार्ट किया था, तो स्प्रिंग अब हमारा जो स्प्रिंग सर्वर है उसके अप होने में कुछ इश्यू आ रहा है। तो अब देखते हैं उसका क्या हम, और ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी जनरेटेड कोड है, जनरेटेड कोड सारा हमको टारगेट फोल्डर के अंदर जाके मिलेगा। अभी आप देख पा रहे हैं एपीआई मॉडल प्रॉपर्टी जो है वो आयोस डॉट स्वैगर डॉट एनोटेशंस के अंदर में होता है, लेकिन किसी वजह से ये हमारा आईडी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि मतलब पॉम में लिखने के बावजूद भी, कई बार रिफ्रेश करने के बावजूद भी हमारा आईडी जो है वो कई बार डिपेंडेंसीज को नहीं ले पाता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि एक तो ये है, सबसे पहला स्टेप आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आईडी को रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो कई बार रीइंडेक्सिंग, जब जब आईडी रीस्टार्ट होता है तो रीइंडेक्सिंग के टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और अगर उससे भी नहीं होता है तो फिर हमको अपने जो वर्जन्स हैं, जो डिपेंडेंसीज के जो वर्जन्स हैं, उनको हमको अलग अलग वर्जन से चेक करना पड़ता है। कई बार होता है कि प्रीवियस वर्जन में जो क्लास थी वो कहीं और डिफाइन थी और नए वर्जन में उस क्लास का जो पाथ है वो अलग हो चुका है। तो उन केसेस में फिर हमको वर्जन का जो मैच है वो देखना पड़ता है कि कौन सा वर्जन हमारे कोड के साथ जाएगा। तो अभी हमारे केस में हमने इसको रीस्टार्ट करके देखा था, ठीक है। तो रीस्टार्ट करने के बाद हमको जो एरर आ रही थी वो एरर रिजॉल्व हो गई थी, और अब हम जनरेटेड कोड में आ चुके हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं इसको कि मेन क्लास कौन सी रहेगी, तो वही हमने अपने स्प्रिंग बूट मेवन प्लगइन में बताया है इसको कि
कि मेन क्लास कौन सी रहेगी। अभी ये हमारे हमारा फिर से बिल्ड कर रहा है, वो सब लिखने के बाद हमने बिल्ड किया है, बिल्ड हो रहा है, बिल्ड सक्सेसफुली हो गया है, ये पी। और इसी के साथ अब हम आगे इसी के साथ अब हम आगे आपको जो कोड जनरेट हुआ है उसका थोड़ा बता देते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे जनरेट होगा। ये हमारी डिपेंडेंसीज है जो पॉम में हमने ऐड की थी, तो ये हमारा फाइनल पॉम है। तो हाँ, ये फाइनल पॉम है, इसमें सारी स्वैगर की डिपेंडेंसीज है, ओपन एपीआई टूल्स की डिपेंडेंसीज है, स्प्रिंग फॉक्स डेटा बाइंडिंग की वो भी है, और साथ में मेवन प्लगइन और सबसे इम्पॉर्टेंट कोड जनरेटर प्लगइन भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल फॉर्म है, और अब हम चलते हैं जनरेटेड कोड की तरफ। ये हमारा स्पेसिफिकेशन है, फाइनली एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। और इसके बाद हमने क्लीन बिल्ड किया था, क्लीन पैकेज किया था, क्लीन इंस्टॉल किया था, कंपाइल किया था। आप अलग अलग कमांड्स मेवन में जाके यहाँ पे रन कर सकते हैं। बिल्ड सक्सेसफुल हो गया है, तो टारगेट में हमको सब कुछ मिल गया है। तो हमको कहाँ मिलेगा, हमको टारगेट में ये जो पाथ है SRC मेन, इसमें ओपन API के अंदर अपने को मिल जाएगा, या ओपन API उसमें हमारा जो जावा के अंदर हमारा जो पाथ हमने दिया था प्लगइन में वो यहाँ पे हमको मिल जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा blog.java है। और या अगर आप IDE में ऐसे स्क्रॉल करने की बजाय आप सीधा कंट्रोल शिफ्ट F12 करेंगे विंडोज़ में, तो ये आपको दिखा देगा कि इस क्लास में इस क्लास के अंदर क्या क्या मेथड्स वगैरह सब थे। ठीक है, और यहाँ पे है, यहाँ पे भी कंट्रोल कमांड फंक्शन F12 है, तो वो बता देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं API कंट्रोलर इसने लिखा, ठीक है, और कंट्रोलर से डेलीगेट के पास जाता है, डेलीगेट एक इंटरफेस बनाया है, और वो डेलीगेट इंटरफेस में फाइनली हमारी रिक्वेस्ट लैंड करती है, और हमको उस डेलीगेट इंटरफेस को हमको इम्प्लीमेंट करना रहता है। अभी क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये नॉट इम्प्लीमेंटेड वाला जो एक्सेप्शन है वो थ्रो कर रहा है जो हमारा। हाँ, ये भी एक नोट करने वाली बात है कि जब हम पहली बार इसको रन करेंगे बिना हमारी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन ऐड किए हुए, अगर हम इसको रन करेंगे तो ये हमको नॉट इम्प्लीमेंटेड वाला, जो आप नीचे देख सकते हैं लाइन नंबर 46 में, नॉट इम्प्लीमेंटेड रिटर्न न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी और HTTP स्टेटस नॉट इम्प्लीमेंटेड करके जो ये एरर है 501 कोड के साथ हमको ये एरर शो कर देगा स्क्रीन पे। अगर हम अभी इसको हिट करने की कोशिश करेंगे ब्राउज़र से, ठीक है, तो ये हमको वो एरर शो कर देगा। और ये जो सारी जो API ऑपरेशंस और ये सारे जो टैग्स हैं, ये टैग, ये जो एनोटेशंस हैं, ये अपने ओपन API की एनोटेशंस है, स्वैगर की एनोटेशंस है। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट करते हैं, एक्चुअल में डॉक्यूमेंट करते हैं। अगर यही सब अगर हम लिखने बैठते तो काफ़ी सारा टाइम हमारा डॉक्यूमेंटेशन लिखने में जाता था, तो वो सारा टाइम हमारा सेव हो गया। और ये हमारा गेट ब्लॉग बाय टाइटल, ये हमारा ऑपरेशन हमने दिया था, तो इसकी मैपिंग भी जैसा आप देख पा रहे हैं लाइन नंबर 40 में एड गेट मैपिंग के थ्रू जो हमारा हमने URL दिया था वो भी यहाँ पे आ चुका है। अब हम सीधे हमारी क्या लिखेंगे, अब हम सीधे जाके हमारा सर्विस क्लास लिखेंगे जो होने वाली है ब्लॉग डेलीगेट IMPL, और वो इम्प्लीमेंट करेगी ब्लॉग डेलीगेट इंटरफेस को, ठीक है। और ब्लॉग डेलीगेट इंटरफेस में हम एक मेथड को ओवरराइड करेंगे, और वहाँ पे हम जो गेट ब्लॉग बाय टाइटल वाला जो ऑपरेशन था वो वहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखिए कितना आसान कर दिया है इसने। पहले हमको, अगर आपको याद हो तो, या आपने पहले किया हो API, तो हम स्प्रिंग बूट में REST कंट्रोलर्स बैठ के लिखते थे, फिर सर्विस लेयर लिखते थे, और फिर सर्विस लेयर के आगे फिर बिजनेस लॉजिक लिखते थे। अभी आज हमने क्या किया, आज हमने सीधा स्पेसिफिकेशन लिखा, बिल्ड किया, और सारा मैजिक हुआ। और मैजिक होने के बाद टारगेट में हमको सारा कोड जो हम खुद बैठ के करते थे वो सारा कोड हमको शुरू की दो स्टेप्स यहाँ पे आ गई है। तो इसी के साथ हमारे ब्लॉग को, हमारे जो वीडियो है,
इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, हम अपना टारगेट भी बता रहे हैं यहाँ पे, हमारा टारगेट है 100K सब्सक्राइबर्स। तो इस 100K सब्सक्राइबर्स ये हमारी इंस्पिरेशन है और हमें यहाँ तक पहुँचाने में आपका सहयोग रहेगा, वांछनीय सहयोग है, तो आप हमें यहाँ तक पहुँचाएँ। तो ब्लॉग का आईडी मैंने सेट किया 100L, सेट ब्लॉग टाइटल मैंने सेट किया टारगेट 100K सब्सक्राइबर्स, एंड कंटेंट में मैंने लिखा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बेसिकली जो मेरा ब्लॉग API डेलीगेट इंटरफेस था उसमें मेरे को गेट ब्लॉग बाय टाइटल नाम से ऑपरेशन मिला था, उसको हम ओवरराइड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यही हम यहाँ कर रहे हैं, तो ये होगा यहाँ। बेसिकली हमारा जो बिजनेस लॉजिक है वो सर्विस ऑनवर्ड्स ही होता है, यानी डेलीगेट IMPL है, यहाँ से आगे हम अपना बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। तो सारे क्रड ऑपरेशंस हम यहाँ पे लिखेंगे और उनकी जो मैपिंग है वो हमको स्पेसिफिकेशन में देनी पड़ती। अभी मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने केवल एक ही लिखा है यहाँ पे, गेट ब्लॉग बाय टाइटल, तो इसलिए ये एक ही आया है। अगर हम सारे लिखते तो सारे यहाँ पे आ जाते, सारे मेथड्स हमको ओवरराइड करने पड़ते और एक एक करके हम उनको यहाँ पे देख सकते थे। तो अब हम चलते हैं इसको टेस्ट करने के लिए, पहले एक बार रीबाउंस करते हैं सर्वर को, स्प्रिंग बूट जो हमारा टॉमकैट है उसको रीबाउंस करते हैं। रीबाउंस करने के बाद हम इसको एक बार रीबाउंस करके देखते हैं, बिल्ड हो रहा है अभी, थोड़ा सा स्लो है इस बार बिल्ड मेरा, तो बने रहिए मेरे साथ। ये बिल्ड हो रहा है, तो बिल्ड हो रहा है टारगेट 100K सब्स। दोस्तों मुझे हिंदी वाले वीडियोस पे व्यूज़ काफ़ी कम लग रहे हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आप कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को फॉलो कीजिए और हिंदी में आप जाके पूरी प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है पोर्ट नंबर 8081 पे, जो हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में डिफाइन किया था। तो अब इसको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे और ब्राउज़र में जाके हम ये ब्राउज़र में आए और हमारा पाथ है 8081/blog/target100K subscribers, तो वो हमने दिया है। और यहाँ पे हमने क्रोम का एक एक्सटेंशन है प्रेटी, जेसन को प्रेटियर करने के लिए वो एक्सटेंशन ऐड किया हुआ है, तो इसलिए आप देख सकते हैं अभी ये हमारा प्रॉपरली आ रहा है। और इसी के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और अधिक से अधिक हमारे टारगेट में पहुंचने के लिए हमारा साथ दें, हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको आज का सेशन कैसा लगा उसके बारे में फीडबैक दें। और इसी के साथ सीखते रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। इसी के साथ मिलते हैं अगले अनदर एक्साइटिंग सेशन में, जहां हम कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।